अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बैठो मेरे पास बैठो। बड़ी प्यारी बच्ची है। बेटा आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है, उसके बाद फुर्सत ही नहीं मिली। सुना है कि आपका बिजनेस भी है। जी, मेरी 3 बसें चलती हैं। ट्रांसपोर्ट अच्छा बिजनेस है। जी, बस गुजारा हो जाता है। देखा मेरे बेटे की सादगी आपने। माशाल्लाह से 1.5 लाख कमाता है महीने का, और कह रहा कि बस गुजारा हो जाता है। माशाल्लाह, बेटों को ऐसा ही होना चाहिए। भाई एक बात मैं अब आपको साफ और सीधी कह दूं, अगर आप लोग इजाजत दें तो। जी जी बिल्कुल। आपकी बेटी तो मुझे बहुत पसंद आई, और मेरा बेटा आपके सामने अच्छा खाता कमाता है। 5 सिगरेट जैसा कोई बुरा शौक नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिश्ते पे कोई एतराज होगा। जी नहीं, मुझे एक एतराज है। वो क्या अंकल? ये 2 घड़ियां तुम हमेशा पहनते हो। जी क्यों? वो एक घड़ी अगर आगे पीछे हो जाए तो दूसरी से काम चल जाता है। अच्छा, तो इस हिसाब से तो तुम बीवियां भी 2 रखोगे। जी, ताकि एक आगे पीछे हो जाए तो दूसरी से काम चला लिया जाए। भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ बहन, मैं अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे लड़के के हाथ में नहीं दे सकता जिसके अपने हाथ उसकी फितरत का पता बता। मगर खुशी, आप हमारे घर में पहली बार आए हैं, नाश्ता वगैरह करके चलिए। चलो बेटा, यू घर बुलाकर बेइज्जती करने वालों की रिश्तेदारी से हम पराए अच्छे। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। चलो। आज तक जहेज के तकाजों पर रिश्ते टूटते हुए देखे गए, या फिर किसी का झूठ पकड़ा जाए, या फिर जात बिरादरी की बुनियाद पर रिश्तों से इनकार किया जाता है। लेकिन 2 घड़ियां पहनने पर रिश्ते से इनकार, और वो भी ऐसे हालात में जब आपकी बेटी की उम्र 35 बरस हो चुकी हो। ऐसा ना पहले कभी देखा ना कभी सुना। क्या क्या किया खुर्शीद ने? क्या उसका यह फैसला बिल्कुल ठीक था? यही है हमारा आज का सवाल, और इसका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि असल कहानी है क्या। बेटा लुबना, एक कप चाय पिलाओ बेटा। लुबना जी, अबू। बेटा एक कप चाय पिला दो, तलब हो रही है। अच्छा मैं लाती हूँ। आपने देखा लुबना कितनी बुझी बुझी रहने लगी है? नहीं, मैंने तो उसे हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा। ये तो वो आपको और मुझे फिक्रों से बचाने के लिए करती है, वरना अंदर से तो बहुत बुझी बुझी रहती है। ये तुम्हें इल्हाम हुआ है या उसने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आपने देखा उसका रंग कैसा जर्द पड़ता जा रहा है? पहले कैसी लाल सुर्ख होती थी। एक तो तुम माए भी ना, हर वक्त वहम करती रहती। अरे कुछ नहीं हुआ है उसे, अच्छी खासी है। खामखा परेशान मत हुआ कर। मैं खामखा परेशान नहीं हो रही, पूरे 2 साल होने को आए, कोई भी इस घर में नहीं झांका है आज तक। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मस्जिद में जाकर ऐलान करवा दूं कि 2 साल से मेरी बेटी का हाथ मांगने कोई नहीं आया है, रिश्ता मांग का सवाब दारिन हासिल करें? नहीं नहीं, मेरा हरगिज़ से मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब है उसे अपने पास रखो। मेरी बेटी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है,
उसके काबिल कोई लड़का होगा तो मैं हाँ कहूंगा। इस तरह मेरा ब्रेन वॉश मत करो और सुकून से अखबार पढ़ लेने दो। अगर खुर्शीद भाई अपनी डिमांड से पीछे हटने को तैयार नहीं तो तुम फिक्र क्यों कर रही हो? उनके डिमांड के मुताबिक ढूंढ लेंगे ना कोई रिश्ता। कैसे फिक्र ना करूं जुबैदा, लुबना अब 34 बरस की हो रही है, कोई मौजा हो जाए और आज उसकी शादी हो जाए, जब उसके बच्चे 15 बरस के होंगे ना तो 50 साल की बूढ़ी हो चुकी होगी। बच्चे कैसे माँ की खिदमत कर पाएंगे, उल्टा उसको ही बच्चों की खिदमत करनी पड़ेगी। देखो सफिया, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। इस बात में तो कोई शक नहीं, लेकिन खुर्शीद को ही अपने फैसलों में लचक पैदा करनी होगी। अब देखो ना, अगर कोई लुबना के जितना तालीम याफ्ता और हमारे मियार के मुताबिक कोई लड़का नहीं मिला तो लुबना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी। इसके साथ की सारी सहेलियों की शादियाँ हो गई हैं, बल्कि सब बाल बच्चे वाली हो गई हैं। और ये मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, अरे क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह करे कुछ हो जाए, अगर नहीं हुआ ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा अब लुबना आ रही है, अपने आंसू पहुंच लो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए आपकी तेज पत्ती वाली चाय। जीती रहो, खुश रहो। और ये अम्मी आपकी सब्जियां ले आ। अम्मी तुफैल भाई आ गए, क्या लूं सब्जी में? बेटा जो दिल चाहे ले लो। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छी चाय बनाई। सब्जियां ले आ, ताजा सब्जियां ले आ। आलू ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो, सब्जियां ले आ, ताजा सब्जियां ले आ। अस्सलाम वालेकुम तुफैल भाई। वालेकुम सलाम लुबना जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये गोभी कैसे दिए? जी 40 रुपए किलो। अच्छा, और टमाटर? ये भी आपको 40 लगा दूंगा। अच्छा तो एक किलो गोभी दे दें, आधा किलो टमाटर और 20 रुपए की मिर्चें। लुबना जी, जी लुबना जी खुश रहा करें, यही असल शुक्रगुजारी होती है। जी। जैसे लुबना के दिलो दिमाग में तुफैल के लिए कुछ नहीं था, ठीक वैसे ही तुफैल के दिलो दिमाग में लुबना के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन ये खामोश पसंदीदगी अदब एहतराम और एहसास कमतरी की चादर में लिपटी हुई थी, क्योंकि तुफैल अपने और लुबना के दरमियान फर्क को अच्छी तरह से जानता था। बज़ाहिर तो ये कहानी सब्जी की खरीदो फरोख से आगे बढ़ने वाली नहीं थी। मेरी बेटी अकेली बैठी बैठी क्या कर रही है? टीवी देख रही है। अच्छी बात है, इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, वरना फजूल बैठे बैठे बोर हो जाता है। पानी लाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, बैठो।
मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी बोलिए। बेटा ये बताओ कि तुम्हें कोई परेशानी या किसी चीज की कमी? मतलब ये कि तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम कुछ उदास उदास सी रहने लगी हो, क्या कुछ ऐसा है? अरे नहीं अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको अम्मी को सलामत रखे, आप लोगों के साथ में कैसे उदास हो सकती हूँ। मैंने भी उनसे यही कहा, लेकिन उनकी आंख तो शुरू से ही मोटी है ना। खैर तुम टीवी एंजॉय करो, मैं जरा चेंज करता हूँ। लुबना, लुबना कहाँ हो भाई? लुबना क्या हुआ अम्मी? अरे अब्बू गए, कमरे में होंगे। आप इतना खुश क्यों नजर आ रही हैं? बेटा बात ही खुशी की है, तुम्हारे लिए रिश्ता है। क्या बात है भाई, ये क्यों पूरा घर सर पर उठाया हुआ है? मैंने जुबैदा को जो लुबना के रिश्ते के लिए तस्वीर दी थी ना, वो एक फैमिली को पसंद आ गई है और वो लोग कल आ रहे हैं। कल? हाँ, लड़का दुबई जा रहा है। वो लोग चाहते हैं कि लड़के के जाने से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, बाकी के मामला हम लोग मिलके तय कर लेंगे। भाई लड़का करता क्या है, पढ़ा लिखा कितना है? कंप्यूटर में कोई पढ़ाई की है उसने, पाकिस्तान में नौकरी करता था, अब दुबई में नौकरी मिल गई तो दुबई जा रहा है। बाकी कल वो लोग आएंगे ना, तो आप खुद पूछ लीजिएगा ना। अल्लाह तेरा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी सुनी। नहीं बेटा मैं बैठने नहीं आई, मैं तो सिर्फ तुमसे ये कहने आई हूँ कि अपना ईद वाला जोड़ा कल पहनना, उसमें तो बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक है। और सुनो, तुम्हें लिपस्टिक वगैरह चाहिए तो मैं कल मार्केट से तुम्हें ला दूंगी, ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह तुम यूं ही आ जाओ। जी। और हाँ एक बात सुन लो, कल घर का सारा काम मैं करूँगी, खाना पकाना मैं कर लूँगी, बस कल तुम अच्छी तरह से तैयार होना। जी अच्छा। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी बहुत प्यारी लगे। तुम में तो जैसे किसी ने करंट भर दिया है, पहले घर के सारे काम निपटा दिए और अब खूबसूरत जोड़ा पहनकर यहाँ से वहां फुदकती फिर रही हो। इतना बड़ा बोझ कांधों से उतर रहा है, हल्का तो महसूस होगा ना। तुमने फिर मेरी बेटी को बोझ कहा? अच्छा बाबा नहीं कहूंगी, अब आप भी जाके तैयार हो जाइए ना, लड़के वालों ने 6 बजे आने का कहा था, जाइए जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे 6 बजने में आधा घंटा बाकी है, फिर भी आप कहती हैं तो तैयार हो जाते हैं। भाई पता करो घर से निकले भी हैं कि नहीं, कहाँ रह गए? मैं कब से जुबैदा को फोन मिला रही हूँ, उठाई नहीं रही। हो सकता है कि रास्ते में हो। हो सकता है, जुबैदा का फोन है। अच्छा। हाँ जुबैदा कहाँ हो? क्या सफिया, क्या हुआ? लुबना दिखने में कम उम्र लगती थी, इसलिए जब लड़के वालों ने उसकी तस्वीर देखी तो उनको मुगालता हुआ कि इसकी उम्र 25 से 26 वर्ष होगी। लेकिन जब जुबैदा ने लड़के वालों को लुबना की असल उम्र बताई तो उन्होंने लुबना के यहाँ आने से साफ इनकार कर दिया। अब जुबैदा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सफिया को ये कैसे बताए, इसलिए वो उसका फोन भी नहीं उठा रही थी, लेकिन आखिर बताना तो था। आने दो अब जुबैदा को, घर से हाथ पकड़ के बाहर ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी सफिया नहीं। अरे मजाक बना के रख दिया है, मैं जब आना ही नहीं था तो पहले हाँ क्यों की थी? अम्मी टूट जाएंगे। अरे टूटते हैं तो टूटने दे, तुझे रिश्ते से ज्यादा बर्तन टूटने की फिकर है। अच्छा आप रहने दीजिए, बाकी मैं धो देती हूँ। अरे इंसानियत नाम की तो कोई चीज ही नहीं लोगों में,
जरा भी नहीं ख्याल करते कि किसी का दिल टूटेगा। अरे लड़की की उम्र देखिए, 35 साल का हो गया, तो मुझसे सिर्फ एक साल ही तो छोटी थी, फिर भी उन्हें तो नन्नी मुन्नी चाहिए, लगता है शादी नहीं करनी बल्कि गोद लेनी है। सब्जी ले आ। अभी मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ताजा सब्जी ले लो। सब्जियाँ ले आ। आलू ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो। सब्जियाँ ले आ। ताजा सब्जी वाले आ। ताजा सब्जी ले लो। आलू ले लो, प्याज ले लो। अस्सलाम वालेकुम तुफैल भाई। वालेकुम सलाम लुबना जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। ये बैगन कैसे दिए? जी 60 रुपए किलो। अच्छा, आपको 40 लगा लो। ठीक है, आधा किलो बैगन दे दें और 1 किलो आलू। जी कुछ नहीं बनाने? नहीं बस, शुक्रिया। ऐ परवरदिगार, ये लड़की बहुत मासूम है। मैं नहीं जानता इसे क्या गम है, मगर जो भी है से दूर फरमा दे। सफिया बहन, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन ये भी तो सोचो कि इसमें मेरा क्या कसूर है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने लड़के वालों से उसकी उम्र छुपाई। अरे जब उन्होंने पूछा ही नहीं तो बताते कैसे? तस्वीर देखी और हाँ कर दी, मैं भी खुशी में बताना भूल गई। देखो सफिया, भले तुम गैर हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन और लुबना को अपनी बेटी मानती हूँ। जुबैदा, तुम्हें पता है तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इतने सालों में मैंने पहली दफा लुबना के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी, लेकिन अच्छा बाबा देखो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था। मैं जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह जायज है, मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह कभी तुम्हें शिकायत नहीं होगी। शायद अभी मौका आए ही नहीं। कई बरस बाद, लेकिन कुछ लम्हों के लिए ही सही, जब बहार आकर गुजर जाती है तो जो सूखे दरख्तों पर गुजरती है वही लुबना और सफिया पर बीत रही। सफिया ने तो अपना दुख लुबना और जुबैदा के सामने बोल बोल कर हल्का कर लिया था, लेकिन लुबना किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। उसे अपना दुख अपने ही गले लग कर रोना था।
आज लाहौर से फिरदौस आपा का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? अपनी लुबना के लिए कोई रिश्ता बता रही थी। कौन लोग हैं, लड़का क्या करता है, कितनी उम्र है? लड़का? अरे 42 साल का आदमी है, किसी कॉलेज में लेक्चरार है और तालीम के शौक में उसने अभी तक शादी नहीं की। तो फिर आपने क्या कहा? कहना क्या था, मना कर दिया। क्या? तो क्या इतनी बड़ी उम्र के आदमी को अपनी बेटी उठाकर दे देता? खुर्शीद, हमारी लुबना भी तो 35 बरस की हो चली है और मियां बीवी में इतना फर्क तो होता ही है। आप उन्हें बुलाते, मिलते, बात आगे बढ़ाते। देखो सफिया बेगम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि किसे अपनी बेटी का हाथ देना है और किसे नहीं। जब मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है तो किसी खराबी वाले शख्स को क्यों कबूल करूँ? उमर का इतना बड़ा होना कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा सेटल्ड लड़का है। फिर लड़का? अरे अगर मैं उसे लड़का ना कहूँ तो हमारी लुबना भी तो लड़कियों वाली उम्र गुजार चुकी है। सफिया, बोलने से पहले सोच लिया करो कि किसके बारे में बात कर रही हो। मुझे अपनी बेटी की दो रोटियां इतनी भारी नहीं पड़ रही है कि जो हाथ आए उससे उसके दो बॉल पड़वा दूं। और ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी तुम? सो जाओ आराम से। क्या मुसीबत है ये? मैंने कहा था ना नहीं डलेगा। लाइए मुझे तो, मैं लगा दूं। मैं तो इतनी बहादुर नहीं, ये किस पे चली गई? क्या हुआ? खुश ने अम्मी, सुबह से बार बार सर में दर्द हो रहा है मेरे। अरे तुम्हें तो बुखार हो रहा है बहुत तेज। चलो छोड़ो इसे, अपने कमरे में चलो, मैं डॉक्टर को बुलवाती हूँ। ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, लाए मैं टांगती हूँ। चलो। अरे अम्मी मैं ठीक हूँ, क्या हो गया है? उम्मीद एक ऐसी चीज है जो इंसान को बद से बदतर हालात में भी जीने का हौसला देती है, लेकिन जब वही दम तोड़ने लगे तो इंसान खाली खाली सा महसूस करने लगता है। हमारे मुआशरे में आम तौर पर लड़कियों को शादी करने की कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा देर हो जाए तो वो मुरझाने लगती हैं। लुबना की खुशियाँ, हंसी, मुस्कराहट पहले ही कमज़ोर थी, लेकिन अब उसकी उदासियाँ ताकतवर होने लगी। ताज़ा सब्जी वाले, आलू ले लो, प्याज ले लो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुफैल? जी शुक्र है मालिका। अच्छा ये लौकी क्या किलो दी है? जी 70 रुपए की। एक किलो दे दो। जी जी अभी लें। ओ खाला, आज दुबना जी नहीं आई सब्जी लेने। क्यों? मेरा मतलब सब खैरियत? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से तोल दो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। जी जी। वो खाला आप बुरा मत मानिएगा, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अरे लुबना छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें छोड़ के आई थी कमरे में, क्या आराम करो, तुम यहाँ कहाँ आ गई हो? अम्मी बुखार तो रात में उतर गया था ना, कब से आपने मुझे बिस्तर पे लिटाया हुआ है, थक गई मैं भी लेटे लेटे, और घर का सारा काम कैसे करेंगे आप अकेले? अच्छा तो तुम्हें ये तकलीफ हो रही है? बेटा तुम्हें इतनी से इतना बड़ा किया है मैंने, और घर के सारे काम मैं अकेले किया करती थी, समझी? मगर अम्मी। सफिया मैं आ जाऊँ? अरे आ जाओ जुबैदा, आओ। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा अपना घर इस तरह पूछने की क्या जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बेटा तुम जाओ आराम करो, आओ जुबैदा आज।
क्या बात है जुबैदा, बहुत थकी थकी लग रही हो। अरे हाँ, वो तुम्हें बताया तो था कि लुबना के लिए एक और जगह रिश्ता चला रही हूँ मैं। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, अपना कारोबार है और खाते पीते घराने का है। अच्छा, और सबसे अच्छी बात तो ये कि लुबना की तस्वीर देखते ही उसने पसंद कर लिया और उम्र पे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम इस तरह से क्यों बता रही हो? अरे बस सफ़िया, डरती हूँ कि कहीं ये आखिरी कोशिश भी मेरी नाकाम ना हो जाए, क्योंकि अब भागने दौड़ने की हिम्मत ख़त्म हो गई है मेरी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं, आइए एक बार फिर से देखते हैं। बेटा आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है, उसके बाद फुर्सत ही नहीं मिली। सुना है कि आपका बिजनेस भी है। मेरी 3 बसें चलती हैं। ट्रांसपोर्ट अच्छा बिजनेस है जी, बस गुजारा हो जाता है। देखा मेरे बेटे की सादगी आपने, माशाल्लाह से 1.5 लाख कमाता है महीने का और कह रहा है कि बस गुजारा हो जाता है। आपकी बेटी तो मुझे बहुत पसंद आई और मेरा बेटा आपके सामने अच्छा खाता कमाता है, 5 सिगरेट जैसा कोई बुरा शौक नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिश्ते पे कोई एतराज होगा। जी नहीं, मुझे एक एतराज है। वो क्या अंकल? ये 2 घड़ियां तुम हमेशा पहनते हो। एक घड़ी अगर आगे पीछे हो जाए तो दूसरी से काम चल जाता है। अच्छा, तो इस हिसाब से तो तुम बीवियां भी 2 रखोगे। भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ बहन, मैं अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे लड़के का हाथ में नहीं दे सकता जिसके अपने हाथ उसकी फितरत का पता बता। मगर खुर्शीद, आप हमारे घर में पहली बार आए हैं, नाश्ता वगैरह करके जाइएगा। चलो बेटा, यूं घर बुलाकर बेइज्जती करने वालों की रिश्तेदारी से हम पराए अच्छे। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। चलो। अम्मी, एक बार डॉक्टर को चलकर तो दिखा दीजिए, मुझे लग रहा है आपका बीपी हाई हो रहा है। बेटा, अब तक जिंदगी में अपनी मर्जी से कुछ हुआ है कभी? अब भी जो होता है होने दो। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अम्मी, सब कुछ पहले जैसा ही तो चल रहा है। यही तो मुश्किल है, सब कुछ पहले जैसा चल रहा है, कुछ भी नहीं बदला, ना तुम्हारे बाप के फैसले, ना हमारी तकदीर। तो फिर हमें खुद को बदल लेना चाहिए। देखिए अम्मी, दुनिया में सिर्फ मियाँ बीवी का ही रिश्ता नहीं होता, औलाद और वालदैन का भी रिश्ता होता है, और इस रिश्ते के सहारे मैं बहुत आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। अगर आप डॉक्टर के नहीं जाना चाहती तो मैं बुलवा लूँ। कहते हैं कि बुरा वक्त इतना बुरा होता है कि वो गुजरता भी धीरे धीरे है। अभी उस रिश्ते को नाकाम लौटे 2 माह ही हुए थे, लेकिन सफिया को यूं लग रहा था जैसे उसने मुश्किल तरीन 2 सदियां जी ली। देखिए अम्मी, दुनिया में सिर्फ मियां बीवी का ही रिश्ता नहीं होता, औलाद और वालदैन का भी रिश्ता होता है, और इस रिश्ते के सहारे मैं बहुत आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। ओ खाला, आज लुबना जी नहीं आई सब्जी लेने। क्यों? मेरा मतलब सब खैरियत? बिल्कुल ठीक कहा लुबना तुमने, रिश्ता सिर्फ मियाँ और बीवी का ही नहीं होता, औलाद और वालदेन का भी होता है। जब तुम इस रिश्ते के सहारे जी सकती हो तो फिर मैं क्यों नहीं? आ,
तो फैल यहाँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो? मैं ये आपसे किसने कहा? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। शादी करोगे उससे? हाँ हाँ। कल शाम को अपनी माँ को लेके हमारे घर आ जाना। जी अच्छा। मेरे बेटे ने माशाल्लाह से बीए किया हुआ है। ये काम तो ये मजबूरी में कर रहा है। एक दो कंपनीज में अप्लाई किया हुआ है। इंशाल्लाह जैसे ही अच्छा जवाब आएगा मेरे बच्चे की भी अच्छी जॉब हो जाएगी। माशाल्लाह। और सफिया बहन आप फिक्र मत करें, मेरा बेटा इंशाल्लाह आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुंह मीठा कीजिए। लाइए। बहुत बहुत मुबारक हो बहन। अरे आप आगे, ये तुफैल और उनकी अम्मी है और ये मेरे हस्बैंड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन आप जाके तैयारी कीजिए, अगले हफ्ते तक की हम कोई तारीख सलाह मशवरा करके आपको दे देंगे। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आओ बेटा आओ। जीते रहो बेटा जीते रहो। ये सब क्या है और किसकी शादी की तारीख की बात कर रही थी आप? लुबना और तुफैल की। तुम्हारा दिमाग खराब है? इनकी औकात है हमसे रिश्ता जोड़ने की? और तुम होती कौन हो अकेली मेरी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने वाली? इसकी माँ। आज तक सारे फैसले आप गलत करते आए, एक सही फैसला करने का हक मुझे भी हासिल है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम पागल हो गई हो? दिमाग मेरा नहीं आपका खराब रहा है जिंदगी भर। इसका पहला रिश्ता जब आया जब ये मैट्रिक में थी, लड़का डॉक्टर था, आपने कहा कि ये पढ़ रही है। जब इसे पढ़ाई मुकम्मल की तो ना जाने कितने रिश्ते आए और आपने किसी ना किसी बहाने से इनकार किया। किसी की तालीम कम थी तो किसी की जॉब मामूली थी, यही कहते कहते आपने इसको उम्र के इस हिस्से तक पहुंचा दिया। लेकिन मैं जीते जी अपनी दहलीज पे इसे बूढ़ा नहीं होने दूंगी। चाहे इसको उठाकर किसी कूड़े धान में फेंकना पड़े। यही आपकी यही सोच इस सबकी जिम्मेदार है। अरे इस दुनिया में कोई भी फरिश्ता नहीं होता खुर्शीद साहब, हर इंसान में कोई ना कोई खामी कोई ना कोई कमी जरूर होती है और हमें इसी दुनिया में से किसी एक को जरूर चुनना होता है उसकी खामी और उसकी कमी के साथ, चाहे वो आज चुने या 10 साल के बाद। रह गई बात तुफैल की, तो पढ़ा लिखा लड़का है, मेहनत से हक हलाल कमाना जानता है। बहनों की शादियों के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया जो इस बात की दलील है कि वो रिश्तों के लिए कुर्बानी देना जानता है। रहा पैसा, तो पैसा तो लड़की के नसीब से होता है। अगर इसके नसीब में पैसा लिखा है तो इसे जरूर मिलेगा। क्या तुम्हारा भी यही फैसला है? इसने कब आपके फैसले से इनकार किया है? आपके हर फैसले पे इसने बेजुबान जानवर की तरह हाँ किया है, तो आज मेरा फैसला क्यों नहीं मानेगी ये? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा भी यही फैसला है? खुर्शीद की खामोशी इस बात का सबूत थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उसकी अना उसे इस बात के लिए मजबूर कर रही थी कि वो अपनी बीवी के सामने ना झुके, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। हम अपनी लड़कियों को तालीम और हुनर के जेवर से इसलिए आरास्ता करते हैं कि जरूरत पड़ने पर वो अपने शरीक हयात का साथ दे सकें, लेकिन वालदैन जब अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए निकलते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि एक ऐसे इंसान को चुना जाए जो सिर्फ अकेले ही उनकी बेटी की किफालत का बोझ उठा दे। ये ना सिर्फ कॉल ऑफ फेल का तजाद है बल्कि खुल्लम खुल्ला तकदीर पर भी शक है। बस इतनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो